हाल ही में एक 3.5 वर्षीय बच्चे के गले में 1 रुपए का सिक्का अटका होने की घटना सामने आई। शेही गांव के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन सांगले के प्रकाश चिल्ड्रंस अस्पताल में बच्चे के गले में अटका हुआ सिक्का निकालने पर डॉक्टर चमू को सफलता मिली। मोहम्मद आशिर मोहम्मद आमिर सरकारी फैल शेगांव ऐसा मरीज का नाम बताया जा रहा है। बच्चे ने 1 रुपए का सिक्का खेलते खेलते मुंह में डाल दिया। जैसे ही सिक्का गले के अन्न नली में फंस गया तो श्वास लेने में तकलीफ होकर उल्टी होना शुरू हो गया। बच्चे को परिजनों ने तुरंत ही बाल रोग तज्ञ डॉक्टर सचिन सांगले के अग्रसेन चौक शेगांव के प्रकाश चिल्ड्रन अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर सांगले ने मरीज बच्चे की जांच करते ही तुरंत एक्सरे निकालने की सलाह दी। एक्सरे निकालने पर गले के पास श्वास नलिका में 1 रुपए का सिक्का लटका दिखा। बताया जा रहा है कि इसके पहले ऐसी एक मरीज ने 5 रुपए का सिक्का व बटन बैटरी सेल खेलते खेलते गले में गिटकाया था। उसको निकालने का डॉक्टर ने अपना अनुभव सामने रखकर बच्चे को हो रही तकलीफ को गंभीरता से लेकर श्वास नलिका में अड़ा होने से मरीज की जान को धोखा होने की संभावना जताई। डॉक्टर सांगले ने खुद का अनुभव और धैर्य से फॉलिश कैथेटर द्वारा तुरंत ही निकालने का निर्णय लिया गया। मरीज के परिजनों को बिना ऑपरेशन के इलाज के बारे में धोखा होने की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। परिजनों ने डॉक्टर को तुरंत ही सिक्का निकालने के लिए सहमति दी। समय सूचकता को देखकर डॉक्टर सांगले व टीम ने फॉलिश कैथेटर द्वारा संचालित बच्चे के गले में लटका हुआ 1 रुपए का सिक्का निकालकर मरीज बच्चे की जान बचाई। बच्चे के गले से निकाले हुए सिक्के को देखकर जान में जान आई और मरीज की मम्मी के आंखों के आंसू टपकना बंद हुए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन प्रकाशराव सांगळे, बालरोग तज्ञ, प्रकाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेगाव, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र। काल आमच्या इथे एका 3.5 वर्षाच्या मुलाला आणण्यात आलं, ज्याने खेळता खेळता हा 1 रुपयाचा कॉइन गेला होता, जो बाळाच्या पोटात न जाता त्याच्या श्वास नळिकेच्या मागच्या साईडला अडकलेला होता, ज्यामुळे बाळाला श्वास घेण्यास त्रास होत होता, तसेच त्याला वारंवार उलट्या होत होत्या। बाळाची तब्येत ही गंभीर असल्यामुळे त्याला मोठ्या हॉस्पिटलात पाठवणे शक्य नव्हते। यावेळी आम्ही एक नवीन शक्कल लढवली, ज्यामध्ये आम्ही लघवीच्या जागेवर वापरण्यात येणारे हे पॉलिश कॅथेटरचा उपयोग करून बाळाच्या घशात अडकलेला कॉइन काढला। यामुळे बाळाला पुढे होणाऱ्या कॉम्प्लिकेशन्समुळे बाळाची मुक्तता झाली। मी पालकांना अशी विनंती करेल की लहान मुलांना नेहमीच जी ही वस्तू मिळाली ती तोंडात घालायची सवय असते, त्यामुळे बाळांपासून टोकदार वस्तू तसेच छोटे छोटे वस्तू मेटलच्या वस्तू यांना बाळापासून दूर ठेवावे। बऱ्याच खेळण्यांमध्ये आजकाल सेल येत असतात, तर अशा सेल हे बाळासाठी खूप घातक असतात, म्हणून बाळांना सेलपासूनही दूर ठेवा। तसेच जेव्हाही आपल्याला कधी शंका होते की बाळाने काहीतरी घेतलेलं आहे, त्यावेळेस त्वरित बाळाला जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जावे। धन्यवाद। NBCN न्यूज के लिए कैमरामैन सुशील सहारे के साथ दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।